ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा हमेशा की तरह। तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, एंड इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड इसके बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना है। एंड गाइस, जो मॉडल का जो कटआउट है वो मैंने पहले से ही कर रखा है, एंड जिसको एकदम मतलब कि परफेक्ट तरीके से कटआउट करना सीखना है, उसके लिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वीडियो का। एंड इसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, तो आप सभी सीख जाओगे, तो जरूर वीडियो को चेकआउट करना। तो बाकी चलिए बढ़ते हैं गाइस वीडियो की तरफ। तो गाइस, उसके बाद आप सभी को अपने मॉडल का डुप्लीकेट कर लेना है यहाँ पे। एंड डुप्लीकेट करने के बाद आप सभी को सेम आप सभी को फिर अपने आप उसके बाद जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस, आप सभी को जाना कलर्स में। फिर कलर्स में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ब्लैक एंड व्हाइट का फिल्टर मिलेगा। फिर इसका अमाउंट आप सभी को जीरो कर देना है, इसको यहाँ पे मर्ज कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, नेगेटिव वाला ले लेना है, एंड इसको मर्ज कर देना है। एंड उसके बाद जाना गाइस, आप सभी को कलराइज में, एंड यहाँ पे आप सभी को येलो कलर को ढूंढ लेना है। ठीक है, येलो कलर जैसे मिल जाएगा आप सभी को यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को यहाँ से चले जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस, आप सभी को इसकी हार्डनेस जो और ओपेसिटी कम कर देना है, एंड इसको इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, एंड ब्रश को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप सभी को गाइस कुछ इस टाइप से पेंट करना है। ठीक है, तो गाइस आप साइज़ को बढ़ा लेना है, एंड हार्डनेस को बिल्कुल कम कर देना है। ठीक है, हार्डनेस को बिल्कुल कम कर देने के बाद आप सभी को फिर कुछ इस टाइप से मतलब कि थोड़ा मैं ऐसे इरेज कर लेता हूँ, एंड कुछ इस टाइप थोड़ा सा साइज़ भी छोटा कर लेते हैं। एंड कुछ गाइस इस टाइप से आप सभी को पेंट करना है अपनी बॉडी के ऊपर आगे की तरफ। ठीक है, मतलब कि इससे क्या होगा कि आपका जो मॉडल है वो थोड़ा ग्लो इफेक्ट में आ जाएगा। एंड गाइस, इसका आप ब्लेंडिंग मोड रख देना ओवरले। ठीक है, इसको जिस टाइप से, एंड गाइस इसका आप एक और डुप्लीकेट कर लेना है। एंड इसके बाद आप सभी को यही सेम आप सभी को अपने फेस के पास लगा देना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आपको एक और डुप्लीकेट करके एंड इसको पूरा फील कर देना है। ठीक है, फील कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को इसको फील कर देना सेम। ठीक है, तीसरी बार जब डुप्लीकेट करोगे तो उसको फील कर देना। एंड उसके बाद गाइस ब्लेंडिंग मोड में जाकर इसको से पहले तो नॉर्मल कर लेना। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे फिर क्या करना, आप सभी को जाना इफेक्ट वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ से गाइस आप सभी को कलराइज में जाना है। एंड यहाँ से आप सभी को गाइस यहाँ पे ब्लू कलर को ढूंढना है। ठीक है, तो ब्लू कलर को यहाँ पे ढूंढ लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे डन कर देना है। एंड गाइस सेम स्टेप वही करना है आप सभी को, पहले तो आपको उसको अपने मॉडल के पास लगा देना है। एंड उसके बाद जाना गाइस आप सभी को इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को हार्डनेस को बिल्कुल कम कर देना है। एंड गाइस उसके बाद ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, फोटो को जूम कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को साइड साइड में कुछ इस टाइप से पेंट करना, जैसे कि गाइस अभी अपना फेस की तरफ किया था। तो गाइस ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार जो हमारे मतलब के ऊपर लाइट जो जल रही है उसका हमारे ऊपर उसकी लाइट पड़ रही है, तो गाइस वो दिखाने के लिए हमने ये लगाया है। ठीक है, तो आप सभी को जिस टाइप से कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को इसका ब्लेंडिंग मोड जो है इसको भी ओवरले कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को इसको अगर ये कम लगे तो फिर इसका डुप्लीकेट करके आप इसको लगा देना है। एंड गाइस देखिए कुछ हमारी फोटो इस टाइप की तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद गाइस आप सभी को अभी और भी पीएनजी लगाने हैं इसमें, तो क्या करना आप सभी को डन कर देना अभी तो। एंड उसके बाद गाइस जाना ऐड फोटो में, यहाँ पे आप सभी को विगनेट का पीएनजी मिल जाएगा। तो गाइस आप सभी को इसको कुछ नहीं करना, आपको फुल स्क्रीन कर देना है, ऑटोमेटिकली आपकी फोटो में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद दोबारा से जाना आप सभी को ऐड फोटो में। एंड यहाँ से गाइस आप सभी को एक पीएनजी और ले लेनी है ये पार्टिकल की। एंड इसके बाद आप सभी को गाइस इसको कर देना स्क्रीन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फेस के सामने कुछ इस टाइप से लगा देना है इसको। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को इरेजर टूल में जाकर जो फेस का एरिया है ओनली फेस फेस से इरेज कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद जो गाइस आप इसके अमाउंट थोड़ा सा कम कर लेना ओपेसिटी। एंड उसके बाद ओपेसिटी कम करने के बाद आप सभी को डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को इस फोटो को कर लेना है सेव। एंड इसको ओपन कर लेना है लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस जब आप सभी को जाना है लाइट रूम में, जाने के बाद एड इसमें लाइट वाले ऑप्शन में कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को कम कर देना है, शेडो को बढ़ा देना है, जो गाइस व्हाइट है इसको बढ़ा देना है, एंड ब्लैक है जिसको कम कर देना है। उसके बाद जाना आप सभी कलर्स वाले ऑप्शन में वाइब्रेशन को बढ़ा देना है। ठीक है गाइस, एंड उसके बाद आप जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है और ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। फिर जाना येलो कलर में इसके सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है क्योंकि यार फोटो का जो मतलब ब्राइटनेस है कुछ ज़्यादा ही लग रही है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर येलो कलर को थोड़ा ह्यू माइनस कर देना है। जाना डार्क ब्लू में इसके बाद इसका ह्यू माइनस कर देना है, सैचुरेशन प्लस कर देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को ऑरेंज पर्पल कलर एंड बाकी जो दो आगे के दो कलर का सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी कलर्स के नीचे टूल में फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी उसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में विगनेट है इसको डाल देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को नीचे जो मिलेगा आपको ग्रेन अमाउंट आपको इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस जाना इसके नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस है उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो गाइस नोट डायरेक्शन आप सभी उसको भी बढ़ा देना है। एंड जो गाइस कलर नोट डायरेक्शन आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद जाना आप सभी को सिलेक्टिव टूल में प्लस पे क्लिक करना, थर्ड वाला ऑप्शन लेना है एंड कुछ स्टेप्स ऊपर की तरफ ले आना है गाइस। ठीक है, एंड उसके बाद आप सभी को जिसका एक्सपोजर है कम कर देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता देना कमेंट करके। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।